न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। नगर निगम सेमीफाइनल के बहाने 2023 विधानसभा की तैयारी पर केजरीवाल मुस्कुराते हुए पूरे प्रदेश में आप उम्मीदवारों को जिताने की अपील की है। आपको बता दें कि केजरीवाल के 2 घंटे के रोड शो में जबरदस्त जनसैलाब उमड़ा। जगह जगह केजरीवाल की एक झलक पाने के लिए सभी बेताब थे। सुरक्षा व्यवस्था बनाने वाले पुलिस वालों को पसीने छूट गए। वहीं केजरीवाल के आने से उमड़े हुए जनसैलाब ने भाजपा और कांग्रेस के साथ ही बसपा की भी नींद उड़ा दी है। आप पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल दोपहर 2 बजे बैठन मुख्यालय के बिनलोंजी एनसीएल बाउंड्री ग्राउंड पहुंचे और उसके बाद निजी सत्या होटल इंटरनेशनल में कुछ देर तक ठहरे, जिसके बाद वो सीधे टाकीज चौक पहुंचे और रथ पर सवार होकर हाथ जोड़कर नगरवासियों का अभिवादन किया, जिसके बाद उन्होंने मस्जिद चौराहे पर छोटे संबोधन में आम आदमी पार्टी की महापौर प्रत्याशी समेत 45 वार्डों के पार्षदों को जिताने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि एक बार मौका दीजिए, अगर काम नहीं करेंगे तो लात मार कर भगा देना, जिसके बाद वो अंबेडकर चौक होते हुए मल्हार पार्क पहुंचे, जहां से केजरीवाल हेलीपैड पहुंचे। वहीं इस दौरान जब केजरीवाल से सवाल पूछा गया कि क्या नगर निगम चुनाव बहाना है, इसे सेमीफाइनल समझा जाए, 2023 की विधानसभा चुनाव की तैयारी है क्या, मध्य प्रदेश में विधानसभा में सभी सीटों पर क्या आप पार्टी चुनाव लड़ेगी, जिस पर केजरीवाल ने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी तो नगर निगम का देखें, फिर आपसे बैठकर बात करेंगे। बेतहाशा उमड़े जनसैलाब ने केजरीवाल को खुश कर दिया तो केजरीवाल ने भी सिंगरौली वालों को धन्यवाद किया। वहीं भीड़ ने भाजपा कांग्रेस और बसपा की नींद भी उड़ा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। सभी भाइयों, बहनों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चों, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, जितना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, मेरा दिल भाव विभोर हो गया। आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। 6 तारीख को 13 तारीख को मध्य प्रदेश में नगर निगम के चुनाव हैं और आज मैं सिंगरौली आया हूँ। पूरे मध्य प्रदेश में तो इस वक्त मेरे लिए संभव नहीं है जाना। सिंगरौली से हमारी रानी अग्रवाल जी मेयर का चुनाव लड़ रही हैं। सभी सीटों के ऊपर हमारे पार्षद कैंडिडेट खड़े हुए हैं। सो सिंगरौली की जनता के बीच में आज हमने रोड शो किया, ज़बरदस्त माहौल था, इतना प्यार, इतना सम्मान, इसके लिए मैं सिंगरौली के लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो इतना सम्मान दिया। एक मिनट, सो मैं लोगों से अपील करता हूँ, सिंगरौली के लोगों से, कि रानी जी को एक मौका दें, आम आदमी पार्टी को एक मौका दें, और आप सबके माध्यम से मैं पूरे मध्य प्रदेश के लोगों से अपील करता हूँ कि अपने अपने इलाके में, हालांकि मैं आ नहीं पाया, लेकिन अपने अपने इलाके में आम आदमी पार्टी को वोट दें, झाड़ू पे बटन दबाएँ, एक मौका दे के देखें, कोई हर्ज नहीं है एक मौका देने में। सर, ये कहा जा रहा है कि ये आपका सेमीफाइनल है, अब 2023 की तैयारी है, नगर निगम एक बहाना है मध्य प्रदेश में। हमारे लिए कोई बहाना नहीं है, हम राजनीति करने के लिए नहीं आए।